सो गाइस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अब तक के जर्नी का थैनोस सबसे बड़ा विलन साबित हुआ, जिसकी कहानी को समझाने के लिए मार्वल को 22 मूवीज बनानी पड़ी। लेकिन अब भी मार्वल के पास कई ऐसे विलन्स हैं जो या तो थैनोस की बराबरी कर सकते हैं या वो थैनोस पर बहुत ही भारी पड़ सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं टॉप 10 मार्वल के विलन्स का काउंटडाउन जो आगे जाके थैनोस की जगह ले सकते हैं। वेल, इसे पक्के तौर पे तो नहीं कहा जा सकता है कि हमें इनमें से कोई एक विलन मार्वल फेज 4 या फिर उसके कंक्लूजन में दिख सकता है, पर फिर भी अगर मार्वल एंड गेम जैसी सक्सेस को दोहराना चाहता है तो वो अभी से इनमें से किसी एक सुपर विलन पर काम करना शुरू कर सकता है। हे दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, द मैंडरिन। गाइज, मैं यहाँ पे आयरन मैन 3 में दिखने वाले द मैंडरिन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो असली मैंडरिन नहीं था। वेल, मार्वल स्टूडियोज के हेड केविन फाइगी ने ये बात तो कंफर्म कर दी है कि हमें आज नहीं तो कल, लेकिन असली मैंडरिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जरूर दिखेगा। अगर बात करें मैंडरिन की, तो कॉमिक्स में मैंडरिन एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है और उसके पास है एलियन पावर रिंग्स जो उसके नॉर्मल एबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर बात करें अपीयरेंस की, तो इस बात की ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है हमें द मैंडरिन आने वाले मार्वल स्टूडियोज के शेंग ची मूवी में दिखे, जो मार्वल की पहली एशियन सुपर हीरो बेस्ड मूवी होगी। बस कमी इसी बात की खलेगी कि हमें आयरन मैन असली मैंडरिन का सामना करते हुए नहीं दिखेगा। नंबर 9, सिट्रैक। सो गाइस, सिट्रैक मार्वल यूनिवर्स का गॉड और डीमन दोनों है, जिसे हजारों सालों पहले धरती पर पूजा जाता था। बाद में किसी कारण की वजह से उसे क्रिम्सन कॉस्मोस में बैनिश कर दिया गया। मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक्समैन के सबसे बड़े दुश्मन जगरनॉट की पावर्स के लिए सिट्रैक ही जिम्मेदार है। जब चार्ल्स जेवियर का सौतेला भाई केन मार्को सिट्रैक के पुराने मंदिर में उसके क्रिम्सन जैम को छूता है, तो वो बन जाता है जगरनॉट। अब मुझे मालूम है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर सिट्रैक एक्समैन के जगरनॉट से जुड़ा है, तो उसे इतनी जल्दी एमसीयू में देखना पॉसिबल नहीं होगा। पर हम सब जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज फॉक्स स्टूडियोज से पहले भी डील कर चुका है, जिसके कारण हम स्कारलेट विच, क्विक सिल्वर और ईगो जैसे कैरेक्टर्स एमसीयू में दिख चुके हैं। और अब तो डिज्नी के पास फॉक्स के कैरेक्टर्स के सारे राइट्स आ गए हैं, और लॉजिकली अगर देखा जाए तो सिट्रैक एक्समैन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। बाय द वे, अगर सिट्रैक एमसीयू में दिखता है तो वो अपनी जगरनॉट की आर्मी से एवेंजर्स को काफी कड़ी टक्कर दे सकता है। नंबर 8, मेफिस्टो। सो गाइस, मार्वल के एमसीयू के आने वाले प्रोजेक्ट्स में डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के सीक्वल की कंफर्मेशन कर दी गई है, और शायद हमें इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में मार्वल के मिस्टिकल एस्पेक्ट्स को और भी बेहतरीन ढंग से दिखाया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि लोकी ने एवेंजर्स मूवी में अपनी मिस्टिकल ट्रिकरी की मदद से एवेंजर्स की नाक में कितना ज्यादा दम किया था। ऐसे में एमसीयू में मेफिस्टो को इंट्रोड्यूस करना मार्वल स्टूडियोज के लिए काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है। फर्क बस इतना है कि ये लोकी से कई गुना ताकतवर है, जिसके कारण एवेंजर्स का इसको रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मेफिस्टो हेल यानी नर्क जैसे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन का राजा है, और वो लिटरली एक डीमन है जिसका भाई सेटन है। और इमोर्टल होने के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो सोल्स को कैप्चर करके उन्हें टॉर्चर भी कर सकता है। वेल, एक बात तो क्लियर है, मेफिस्टो जिस भी एमसीयू मूवी में होगा, वो मूवी काफी ज्यादा डार्क और हॉरिफाइंग होने वाली है। नंबर 7, कैंग द कंकरर। सो गाइस, अब जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अल्टरनेट रियलिटी और अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में खुलकर बात होने लगी है, तो एवेंजर्स के इस कल्ट क्लासिक विलन के बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका सबसे बड़ा हथियार ही है टाइम ट्रेवल, जिसके कारण वो मार्वल के प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों में एग्जिस्ट कर चुका है, और समय समय पर उन्हें मैनिपुलेट करके एवेंजर्स को परेशान कर चुका है। कैंग बेसिकली बिलोंग करता है 38th सेंचुरी से। कैंग के पास अपनी कोई सुपर पावर नहीं है, पर फिर भी कैंग अपनी बुद्धिमानी, टेक्नोलॉजी पर अच्छी समझ और अलग अलग टाइम पीरियड के अच्छे एक्सपीरियंस के कारण वो एवेंजर्स का बहुत बड़ा दुश्मन साबित हुआ है। और क्या पता एवेंजर्स एंड गेम में हुए टाइम से छेड़छाड़ के कारण एवेंजर्स कैंग के रेडार पे आ जाए, और हमें कॉमिक्स के अलावा मूवी में भी कैंग देखने को मिले। नंबर 6, मॉलिक्यूल मैन। सो गाइस, हो सकता है आपको ये नाम थोड़ा फनी लगे, लेकिन यकीन मानिए कि ये मार्वल के सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स में से एक है। जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, मॉलिक्यूल मैन ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी तरह की चीज को एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके कारण वो उसका शेप और साइज अल्टर कर सकता है। मॉलिक्यूल मैन यानी कि ओमन रीस को अपनी पावर्स मिली थी एक एटॉमिक पावर मशीन को ठीक करते समय। अपनी इसी पावर्स के कारण मॉलिक्यूल मैन मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स के स्टोरी लाइन में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। इसे फैंटास्टिक फोर के मेन विलन के रूप में लॉन्च किया गया था,
और शुरुआती दिनों में इसकी कमजोरी थी कि ये ऑर्गेनिक यानी कि जिंदा मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता था, पर आगे जाके कॉमिक्स में उसने अपनी इस कमजोरी को भी दूर किया। वेल, अगर बात करें मार्वल मूवीज में तो मेरे हिसाब से ये थैनोस की जगह तो नहीं ले सकता, पर हाँ एवेंजर्स को बहुत ही अच्छा खासा चैलेंज जरूर दे सकता है। नंबर 5, एनहाइलस, मार्वल के एनहाइलेशन स्टोरी लाइन का मेन विलन। सो गाइस, एनहाइलस लॉर्ड है नेगेटिव जोन का। इसके पास है कॉस्मिक कंट्रोल रॉड जो उसे पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी और मैटर को कंट्रोल करने में मदद करती है, जिसके कारण वो कई तरह के एक्स्ट्रा डायमेंशनल गेट्स भी खोल सकता है और टाइम, स्पेस और मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। यानी वो बिना गॉन्टलेट के ही थैनोस के ज्यादातर काम कर सकता है। इसके अलावा वो फियर को भी ब्रॉडकास्ट कर सकता है, जैसा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्कारलेट विच ने एवेंजर्स के साथ किया था, लेकिन एक बहुत ही बड़े स्केल पर। इसके अलावा अगर उसकी कॉस्मिक कंट्रोल रॉड उससे अलग नहीं की गई, तो उसे मार पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो बार बार पैदा हो सकता है। वेल गाइज, विलन तो परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है, एनहाइलस फॉक्स की प्रॉपर्टी है, और जब तक मार्वल फॉक्स के कैरेक्टर्स पर काम करना शुरू नहीं करता, तब तक शायद ही हमें एनहाइलस इतनी जल्दी MCU में देखने को मिले। नंबर 4, मेगस। सो गाइस, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एक पोस्ट क्रेडिट टीज के बाद हम सबको मालूम चला कि एडम वॉरलॉक हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने वाला है, और बेसिकली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में उसके दिखने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। वैसे तो एडम वॉरलॉक मार्वल का एक अच्छा कैरेक्टर है और वो कॉमिक में भलाई के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी यूज कर चुका है, पर उसकी एक खतरनाक दूसरी पर्सनैलिटी भी है जिसका नाम है मेगस। अल्टरनेट पर्सनैलिटी होने के कारण मेगस के पास एडम वॉरलॉक की सारी अमेजिंग पावर्स हैं, जैसे कि एनर्जी मैनिपुलेशन और क्वांटम मैजिक, टाइम और रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। एडम कॉमिक्स में सोल जेम का कीपर होता है, जिसके कारण वो सोल्स को समन भी कर सकता है और ऑब्वियसली अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मेगस को मार्वल कॉमिक्स के अंदर एडम वॉरलॉक का काउंटर बैलेंस बताया गया है, यानी अगर एडम वॉरलॉक एग्जिस्ट करता है तो मेगस का भी एग्जिस्ट करना जरूरी है, और अगर ऐसा है तो मेगस भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट का इस्तेमाल कर सकता है, और अगर MCU में ऐसा दोबारा होता है तो उसे हराना थैनोस से भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। नंबर 3, डोरमामू। सो गाइस, हम सब जानते हैं कि डोरमामू डार्क डायमेंशन का राजा है, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ एगोमोटो की मदद से डोरमामू को टाइम लूप में नहीं फंसाते, तो धरती पर डोरमामू को कब्जा करने से कोई नहीं रोक पाता। अब जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं है, तो क्या डोरमामू धरती पर वापस न आने का डॉक्टर स्ट्रेंज से किया हुआ वादा निभाएगा? साथ ही साथ ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज बचे हुए एवेंजर्स के साथ किस तरह से डोरमामू से निपटते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को फिर से कैसे एक्वायर करेंगे। नंबर 2, डॉक्टर विक्टर वॉन डूम, ऑल्सो नोन एज डूम। सो गाइज, हो सकता है कि कुछ लोग इस विलन के बारे में बिल्कुल भी न जानते हों, और सच कहें तो इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। डूम के राइट्स फॉक्स के पास हैं, और फॉक्स ने कई बार फैंटास्टिक फोर के अगेंस्ट डूम को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, पर वो हमेशा नाकाम रहे। सो गाइज, मार्वल कॉमिक्स में डूम फैंटास्टिक फोर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे एवेंजर्स का एक बहुत बड़ा और बहुत ही फेमस दुश्मन है। वैसे तो डूम की अपनी कोई खास सुपर पावर नहीं है, पर फिर भी वो मार्वल के सबसे बुद्धिमान कैरेक्टर्स में से एक है, और अगर वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होता तो वो टोनी स्टार्क, शूरी और ब्रूस बैनर जैसे कैरेक्टर्स को काफी कड़ी टक्कर देता, क्योंकि डूम के पास साइंस और मिस्टिकल आर्ट्स दोनों की काफी अच्छी खासी नॉलेज है। इसके अलावा वो मार्वल के गॉड लाइक बींग्स यानी बियॉन्डर्स की पावर भी खींच चुका है, जो कि बेसिकली अलग अलग रियलिटीज के बाहर रहते हैं और रियलिटीज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, गैलेक्टस। सो गाइस, दुनिया भर से मार्वल फैंस अगर किसी विलन को बहुत ही ज्यादा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने के लिए बेचैन है, तो वो है गैलेक्टस। गैलेक्टस को सिर्फ और सिर्फ विलन कहना काफी नहीं होगा। गैलेक्टस का दूसरा नाम अंत है, क्योंकि वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए प्लैनेट्स को खाता है। अब जो ग्रहों का नाश्ता करता है, जाहिर सी बात है उसके अंदर गॉड वाली सारी एबिलिटीज होंगी। अगर बात करें गैलेक्टस के स्क्रीन पे दिखने की, तो गैलेक्टस फॉक्स के मार्वल प्रॉपर्टीज के अंदर आता था, और फैंटास्टिक फोर द राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर मूवी में फॉक्स ने एक बार हमें फिर से निराश किया, और मूवी में गैलेक्टस की सिर्फ और सिर्फ परछाई दिखाई गई। खैर, कोई बात नहीं, मार्वल अपने प्रॉपर्टीज को यूज करना जानता है, और इस बार जब हमें मार्वल स्टूडियोज में गैलेक्टस दिखेगा तो मुझे उम्मीद है कि हमें निराश नहीं होना पड़ेगा। साथ ही साथ गैलेक्टस का हेराल्ड, जो गैलेक्टस के खाने के लिए ग्रहों को खोजता है, सिल्वर सर्फर भी हमें देखने को मिल सकता है। वेल, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
सो गाइज ये थे टॉप 10 विलन्स जो थैनोस की जगह ले सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं एमसीयू फेज 4 के लिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप किस विलन को जानते हैं जिसे इस लिस्ट में जरूर होना चाहिए था। इसके अलावा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आपको हमारे चैनल की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। और शेयर करिए हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में। और सबसे अंत में, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऐसे ही ऑसम कंटेंट और ऑसम न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को अभी लाइक कर दीजिए। सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।